हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल सैलड। इसे आप सीजलिंग सैलड भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1/4 कप ब्रोकली, 1/4 कप कैरेट, 1/4 कप बेबी कॉर्न, जिसे भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1/4 कप फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप खीरा, और यहाँ पर मैंने तीनों कलर के कैप्सिकम लिए हैं, ग्रीन, येलो और रेड, वो भी 1/4 कप लिया है। एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है, जिसे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और एक 1/4 कप स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट पार्ट लिया है। चलिए अब हम सारे वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हैवी बॉटम पैन लिया है, आप नॉनस्टिक पैन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो, हम इसमें सबसे पहले ऑनियन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जो वेजिटेबल्स पकने में ज़्यादा टाइम लेता है, उसे सबसे पहले ऐड करेंगे। जैसे ही हल्का सा पिंक कलर का हो जाए, इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंच बीन्स, बेबी कॉर्न, ब्रोकली और स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। बस 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें कैरेट ऐड कर देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वेजिटेबल्स 50% कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें खीरा ऐड करेंगे और कैप्सिकम ऐड कर देंगे। अब इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर चिली गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी कि तिल ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर लास्ट में टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट और कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर हमें टमाटर को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सलाद बनकर रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना कलरफुल और यमी लग रहा है ना, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। जो लोग डाइट करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो लोग इस सलाद को खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सलाद है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।